Hello everyone, welcome back to the official YouTube channel of Broadway A2E Academy. This is Vimalpreet Kaur. ते आज मैं तुहाडे लई लैके आई हाँ फ्रेजेज इंग्लिश स्पीकिंग दे लई जिहड़े तुसी यूज़ कर सकते हो जदों तुसी गल कर रहे हो किसी भी इनवेंशन इनोवेशन या टेक्नोलॉजी बारे. इदां दा एक क्यू कार्ड भी हैगा जिहदे विच बच्चों ने इनवेंशन बारे गल करनी है. एंड एट दैट टाइम समटाइम्स चिल्ड्रन आर कन्फ्यूज दैट वट काइंड ऑफ फ्रेजेज दे कैन यूज़ इन दिस क्यू कार्ड. सो जिहड़ा पहला फ्रेज तुसी इनोवेशन इनवेंशन या टेक्नोलॉजी लई यूज़ कर सकते हो वो है टू कैच ऑन. जिहदा मतलब है टू बिकम पॉपुलर. जदों कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है उस टाइम के उत्ते आपां टू कैच ऑन वर्ड यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपां न्यू इनवेंशनस के लिए यह वर्ड यूज़ करांगे. एग्जाम्पल के तौर के उत्ते जे मैं लवां इलैक्ट्रॉनिक कार्स आर रियली कैचिंग ऑन, मतलब जिहड़ियां इलैक्ट्रॉनिक कार्स ने वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही ने. दैन द सैकेंड फ्रेज विच यू कैन यूज इज़ टू टर्न समथिंग ऑन इट्स हैड. टू टर्न समथिंग ऑन इट्स हैड का मतलब है चेंजिंग योर अंडरस्टैंडिंग और आइडिया. जो तुसी अपना आइडिया या जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ के रिगार्डिंग वो चेंज कर दो उस टाइम के तुसी यह फ्रेज जिहड़ा है यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इनोवेशन इज़ टर्निंग द वे वी डू थिंग्स इट्स हेड. मतलब यह जिहड़ी इनोवेशन है इनवेंशन है यह अपनी सोचण दी या अंडरस्टैंडिंग दी जिहड़ी एबिलिटी है उन्हूं चेंज कर रही है. आफ्टर दैट द थर्ड फ्रेज इज़ टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. टू टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब है टू बिकम वेरी पॉपुलर. जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है उस दे लई आपां यह फ्रेज जिहड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेरेबल्स एज स्मार्ट बैंड्स आर टेकिंग द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. मतलब जिहड़े स्मार्ट बैंड्स ने वेरेबल्स ने वो अजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. इसलिए आपां इन्हां वर्ड्स दे लई इन्हां सेंटेंसेस दे विच फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं इनवेंशन के टाइम ते. After that, the fourth phrase we can use for the inventions are to be a game changer. To be a game changer का मतलब है something that can change everything or something that can change things that we do. जो अपने काम करन दे तरीके change हो जाते हैं या change कर सकते हैं आपां जो चीज़ा अपने काम करन दे तरीके नू change कर रही ने उस time के उत्ते आपां यह जिहड़ा phrase है वो use कर सकते हैं. For example, द इंटरनेट इज़ अ गेम चेंजर. इंटरनेट के आने तो बाद अपनी लाइफ बहुत सारे चेंजेस आए हैं तो बहुत सारे इदा के काम ने जो आप अलग तरीके करने शुरू किए हैं. सो इंटरनेट के लिए आप जो फ्रेज है वो यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट द लास्ट फ्रेज वी कैन यूज़ फॉर द इनवेंशन इज टू मेक समवन बाय सरप्राइज. इहदा मतलब है टू सरप्राइज समवन. जो आप किसी किसी चीज़ के नाल सरप्राइज करते हाँ इन इनवेंशन और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बेसिस दैन वी कैन यूज़ दिस फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल 3D printers have taken everyone by surprise. मतलब 3D printers जिहड़े ने उन्होंने सारियां नूं बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया है. इस तरीके दे नाल जिहड़े भी इनवेंशन या इनोवेशन दे रिगार्डिंग तुसी फ्रेजेज यूज़ करना चाहते हो ईदर इन योर क्यू कार्ड और इन योर जर्नल क्वेश्चन और फॉलोअप्स ऑलसो यू कैन यूज़ दीज फ्रेजेज. तो तुसी फ्रेजेज यूज़ करके अपनी स्पीकिंग नूं थोड़ा जिहा इनहैंस कर सकते हो. सो ऑलवेज ट्राई टू ऐड फ्रेजेज इन एनी पार्ट ऑफ स्पीकिंग. अज की मैं वीडियो इतें ही खत्म करांगी. जो वीडियो वधिया लगी तो इसनों लाइक जरूर करना शेयर करना तो कमेंट सैक्शन च दसना कि आई स्पीकिंग दे रिगार्डिंग तुहानूं की डाउट्स या प्रॉब्लम्स रहिंदियां ने. धन्यवाद.